मैं अपने बारे में बोलना चाहता हूँ, मुझे क्या गलत है क्या सही है ये सब पता होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं फटाक से मतलब पूरा चिढ़ जाता हूँ और तुरंत मेरा मतलब दिमाग में कुछ काम नहीं करता, जो मन में आए वही करता हूँ। तो ये चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने ऊपर कंट्रोल होना, गलत क्या है सही क्या है इसका ज्ञान होते हुए भी गलत काम हो जाना, ये है अपने ऊपर कंट्रोल ना होना। इसके लिए आत्म अनुभूति की आवश्यकता है। याद रखना है, अपना नाम याद रहता है, मैं फलाना हूँ, शरीर याद रहता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये याद करने की ज़रूरत है। मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ। अगर ये याद रहे कि मेरे पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा सर्वशक्तिवान हैं, सदगति दाता हैं, भाग्य विधाता हैं, मैं उनकी संतान हूँ, अगर ये बात याद रहेगी तो हमारे से कभी भी गलत काम नहीं होगा, धैर्यता होगी, जल्दबाजी नहीं होगी, धैर्यता से हम कोई भी कार्य अच्छी तरह से कर सकेंगे, परमात्मा की याद में रह के कर सकेंगे, अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसलिए ये याद रखना है कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, मेरे अंदर परमात्मा के गुण परमात्मा की शक्तियाँ मेरे अंदर कार्य कर रही हैं, ऐसा मानकर जब कार्य करेंगे तो जीवन बहुत सुखद और सफलता मूर्त दिखाई देगा। सर, मैं अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रही हूँ। मैं 9 से 10 घंटे तक पढ़ाई करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि 4-5 दिन के बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया और पढ़ाई से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ। तो ऐसे क्या करूँ कि मेरा लगन लगी रहे कि नहीं, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि इतना ही पढ़ना है, जब तक हम उसकी स्टडी कर लें, अच्छी तरह से करें, अपने लक्ष्य के ऊपर है, अपने संकल्प के ऊपर है। जितना सफलता का संकल्प है सफल होना ही है, जितनी सफलता का संकल्प है उतना ही पढ़ाई अच्छी तरह से होगी, चाहे रात को पढ़ना पड़े चाहे दिन को पढ़ना पड़े, लेकिन जब आप संतुष्ट हो जाएंगे कि इस पढ़ाई से मैंने अच्छी स्टडी कर ली है, मुझे सब कुछ याद हो गया है, मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया है, मैं इसका जवाब अच्छी तरह से दे सकती हूँ, जब ऐसे निश्चय होगा तभी आप सफल हो जाएंगे और अपनी पढ़ाई से अपनी मेहनत से आप संतुष्ट भी हो जाएंगे।